अगला सफर किया जाए कि बुरे दिन हो तो किसको लंकारानी याद आती है। आए हाय मेरे शेर पर वही शख्स तालियां ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोके आप लोग फैसला करके बताइएगा किसमें से। ठीक है, इधर से भी समझ जाता हूं। बुरे दिन हो तो किसको लंकारानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। बुरे दिन हो तो किसको लंकारानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। अरे किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आता है। किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, अब कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख दूंगा इंशाल्लाह, आप ऐसे ठोकते रहते हो। किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। आइए मेरे दोस्तों बड़े अदब के साथ आपको जिससे नाते पाक से शुरू हुआ था मुशायरे का, गजल उनसे सुना जाए, एकदम रंगीन गीत सुनी जाए और गजलें सुनी जाए। मैं बड़े अदब के साथ परवेज कौशल मारूफी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी गीतों से, गजलों से, नज्मों से हम सामाई को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर ले परवेज कौशल का। शेर आपके तो बिल्कुल इस नाचीज को आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। तबरेज भाई रजब अली शेरवानी बड़ी उम्र शायरी से नवाज रहे थे, बतौर खास मैं चार मित्र उस स्टूडेंट के हवाले करना चाहूँगा जो मेरी हम उम्र है कॉलेज के दौर में पढ़ रहे हैं, बतौर खास नसर भाई हमारे दोस्त बोला ऐसा करूँ। किताबें पढ़ता हूँ, क्या सब्जेक्ट है भाई, कौन से स्कूल में है भैया बता। मेरा नॉलेज बढ़ता है, अरे वाह 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 वाह, आमिन भाई बता रहे हैं। किताबें इश्क पढ़ता हूँ, किताबें इश्क पढ़ता हूँ, मेरा नॉलेज बढ़ता है। और तमाम कमेटी वालों का बतौर खास महमूद भाई, हाँ सुने निहाल भाई, दिशांत भाई, ये चौथा मिश्रा आपके हवाले से। किताबें इश्क पढ़ता हूँ, मेरा नॉलेज बढ़ता है, कई शायरात हैं लिहाजा इनका भी हमें ख्याल करना है। आइए मेरे गोपाल दास की तरफ से, ये प्रवेश भाई जी मुझे ये नजर आना एक खुदूस है आपकी, गोपाल दास हाँ कॉलेज का दौर, हाँ शायद देखे जब हमारी हम और बड़े खास से देखेगा। किताबें पढ़ता हूँ, मेरा नॉलेज बढ़ता है, अगर तू चाहता है कि तेरी जान तुझे को मिल जाए, उसे आई लव यू कहे
किताबें इश्क पढ़ता हूँ, मेरा नाम बढ़ता है। और चार मिसरे बतौर खास बदल के तमाम लोग ही तो सामने वो मेरे बेनकाब आ गई। एक बार तो थोड़ा सा हौसला बच्चे, बहुत तमाम नौजवानों की तादाद है हमारे। अकरम भाई बता रहे खास मुशायरा मीडिया आपके हवाले से कि सामने सामने वो मेरे बेनकाब आ गई। क्या बात, कि सामने वो मेरे बेनकाब आ गई, लेके हाथों में ताजा गुलाब आ गई। सामने वो मेरे बेनकाब आ गई, लेके हाथों में ताजा गुलाब आ गई। सामने जिनके तसव्वुर में डूबे थे हम, आँख में बन के वो मेरे ख्वाब आ गई। रात जिनके तसव्वुर में डूबे थे हमें, आँख में बन के वो मेरे ख्वाब आ गई। सामने वो मेरे बेनकाब आ गई, लेके मतलब पेशी खिदमत के बतौर खास हाजिर करेगा। ये गीत की शक्ल में मतलब खास हो जाए, बहुत से जिले होंगे, दिलवाले होंगे, तमाम दोस्तों की दुआएं चाहते हुए दिशा भाई बतौर खास जब अपनी मोहब्बत का जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल टूट गया। जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल दिल टूट गया। कि दिल चीज है क्या तुझ पे मैं जान लुटा दूंगा, उम्र मेरे
जिसे अपना समझते थे, जिसे अपना समझते थे वो निकला है बेगाना। दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया। इसी तरीके थोड़ा सा आवाज और बढ़ा दे, बहुत सही माइक चला, आवाज मिल दे। बतौर खास अगला बंद बतौर खास बुला सकते हैं। एक मोहब्बत का अंजाम क्या होता है बतौर खास बुला सकते हैं। जब अपनी मोहब्बत का कहता हूँ मैं अफसाना, दिल तोड़ दिया मेरा, न हुआ वो जब किसी और का क्या होगा, मेरा न हुआ वो जब किसी और का क्या होगा, एक बार नहीं मुझे देख के गैरों के है, संग देख के गैरों के आता है मुझे रोना। दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, तुझे छोड़ दिया, जा छोड़ दिया। और एक बंद बिल्कुल सच्चा बता रहे, खास मुलाहजा करेंगे। दिल तोड़ दिया, अगर शेर अच्छा लगे तो बिल्कुल आपकी टाइप होनी चाहिए। बता रहे खास बुला सकते हैं। मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा देना। एक बार बिल्कुल शेर से तवज्जो चाहूंगा तमाम नौजवानों की, कि मैं झूठ अगर बोलूं सूली पे चढ़ा, अरे ये दिल तोड़ने वाला, कोई जोड़ने वाला सुना दीजिए। तो आइए जरा मतलब